इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहां पर आरजेडी ने आज जो विधानसभा मार्च का आयोजन किया था उसमें आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वह गांधी मैदान से चलकर डाक बंगला चौराहा पहुंच गए हैं। यहां पुलिस के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है, दोनों तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, बदले में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वह पथराव कर रहे हैं और यहां से किसी भी तरीके से कार्यकर्ता आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस प्रशासन उनको रोक रही है और उसी के दौरान दोनों में नोकझोंक हो रही है। नोकझोंक इतना बढ़ चुका है कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वह अपनी तरफ से पथराव कर रहे हैं और यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने आज इजाजत नहीं दी थी, उनका कहना था, प्रशासन का कहना था कि चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है ऐसे में किसी भी मार्च का आयोजन नहीं हो सकता है और इसी कारण प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज मार्च का आयोजन किया है और लगातार प्रशासन की जो शक्ति है उसके खिलाफ एक तरीके से कहें तो बल पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आज जो आरजेडी के तरफ से आयोजन था उसकी मांग यह थी कि बिहार में लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जो वादा करके यानी जनता से जो वादा कर सरकार में आई थी यानी सरकार बनाई थी एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है, इसी के खिलाफ आज विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर जो है वह काफ़ी हिंसक हो गई है, यहाँ पर पथराव किया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज की जा रही है। क्या नाम है, सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।